हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश एंड स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो गाइस, अभी हम हैं गुवाहाटी, और गुवाहाटी में जिस हॉस्टल में हम रुके हैं उस हॉस्टल का नाम है गिब्बन बैकपैकर्स हॉस्टल। तो वो हॉस्टल का कुछ ऐसा सीन है, और मेरा बेड था यहाँ पे, और आज हम चेकआउट कर रहे हैं, और आज डेट हो रखा है 11 सितंबर। तो मेरा बैग हम रेडी कर लिए हैं, तो अभी 10 बज रहा है, और अभी हम जाएंगे गुवाहाटी से शिलोंग, और शिलोंग के लिए मुझे या फिर शेयरिंग टैक्सी मिलेगा या फिर लोकल बस, तो देखते हैं जैसा होता है। और इस हॉस्टल के बारे में अगर हम बात करें तो ये मुझे पड़ा था 270 पर नाइट, और यहाँ पे हम स्टे किए हैं पूरे 3 दिन। और भाई, यहाँ पे सितंबर में ऐसा गर्मी है ना कि अपने जो मार्च अप्रैल में जो गर्मी होता है ना, एकदम बॉयल करने वाली उस तरह की गर्मी है। तो गुवाहाटी में ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना पाए कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा था, ऐसे अगर कैमरा उठाते ना तो हाथ से पसीना, गर्दन से पसीना, पूरा फेस में पसीना। तो इसलिए गुवाहाटी में हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए। तो इस हॉस्टल के बारे में हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, यहाँ पे इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर गुवाहाटी के भी आने का मन हो तो 270 पर नाइट अच्छा खासा कोई रेट नहीं, है। एक अंकल है महाराष्ट्र के, उनसे भी आप परिचय करवाएंगे, बट पहले दिखा लेते हैं ये जो हॉस्टल है ना, टू ट्वेंटी पर नाइट फैन लगा हुआ है, और बगल में जो डोमेट्रीज है एक एसी का भी है, तो उसमें 400 या 500 कुछ आसपास है। तो आप लोग अगर आना चाहते हो तो booking.com से बुक कर लीजिएगा, और उस टाइम एडवांस पेमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप आके भी पेमेंट कर सकते हैं। और भाई, ये कोविड के टाइम पे आने का क्या फ़ायदा है ना कि आपको हॉस्टल पूरा खाली मिलेगा, सिर्फ एक या दो बंदे यहाँ पे मिल जाएंगे मुश्किल से, वो भी दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा एक और क्या फ़ायदा है कोविड में ट्रैवल करने से, कि आपको हॉस्टल जो है ना, लगभग हॉस्टल आपको खाली मिल जाएगा। और कभी क्या होता है पीक सीज़न में कि हॉस्टल पूरा भरा हुआ रहता है, तो आपको मजबूरन होटल लेना पड़ जाता है, और उसका कॉस्टली काफ़ी हाई रहता है। तो एक बार हम यहाँ का जो बेड है वो सब दिखा देते हैं, यहाँ का वॉशरूम दिखा देते हैं, और ज़्यादा कुछ इस हॉस्टल के बारे में बात नहीं करेंगे। ऑलरेडी हम दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी जो हॉस्टल है वो हम बात किए हैं, तो आप लोग booking.com से सारा चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या फीचर्स है वो सारा उसमें दिया हुआ है। तो वहाँ सोए थे हम, ये मेरा बैग रेडी हो गया, और यहाँ का वॉशरूम काफ़ी क्लीन है, गीजर लगा हुआ है, यहाँ पे नहा सकते हैं और यहाँ पे फेस वगैरह धो सकते हैं। और यहाँ पे जितना भी जो घूमने आते हैं ना, जितना भी बैकपैकर्स लोग आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, उन लोग का कलाकारी दिखाते हैं, क्या करते हैं उन लोग आकर। तो उन लोग आकर अपना अपना मतलब कुछ कुछ लिखते रहते हैं दीवार में, ऐसे यादगार के लिए लिख के चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, तो ऐसा कुछ लिख कर इन लोग जाते हैं। ये कोई बंदा यहाँ छापा होगा, इसके नीचे भी कुछ लिखा है, और भी दिखाते हैं। ये देखिए, कोई बंदा यहाँ पे सो रहा होगा, तो ये वो लिख भी के चल दिया। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ अपने यादगार के लिए वैसा कुछ लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का देखिए, इन लोगों का कलाकारी, पूरा दीवार में छाप के लोग चले गए हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पे रहेंगे तो दीवारों में अपने यादगार के लिए कुछ लिख कर जा सकते हैं, जैसे कि कभी 4 या 5 साल के बाद फिर इस हॉस्टल में आने का अगर मौका मिले तो आप जो लिखे हुए रहेंगे ना दीवारों में, तो वो देखकर कुछ आपको लगे कि यार हम यहाँ आए थे, यादगार ताज़ा हो गया, तो कुछ ऐसा है। और इस वीडियो में पिक्चर का क्वालिटी, जो वीडियो का क्वालिटी है वो काफ़ी सही आ रहा होगा, वो इसलिए
रीज़न हम पिछला वाला वीडियो में बताए थे क्या रीज़न था, और देखिए यहाँ पे ऊपर भी कोई बंदा कुछ लिख के गया है, तो ऐसा कुछ है अभी हम भी कुछ लिखेंगे, देखते हैं उसके बाद अगर मौका मिले 4-5 साल बाद अगर फिर आए तो यादें ताज़ा हो जाएगी। हाँ जी, तो अभी हम अपने हॉस्टल में दो लोगों से मिलाते हैं, एक है सुशील कुमार अंकल जो महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र बेसिकली नागपुर से, तो पिछले, और एक भाई और है फ्रॉम बिहार, आपका नाम राहुल कुमार यादव। तो अभी जो 3 दिन हम यहाँ रुके हैं ना, तो भाई घूमे बहुत कम है, बट यहाँ जो हमें एक जो फ्रेंडली टाइप ऐसा जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा खासा रहा, और ये जो अंकल है इनके साथ पिछले 2 दिनों से रात में हम लोग खाना ढूंढने के चक्कर में पूरे 2 किलोमीटर गए आए, जितना खाना नहीं खाया उतना ज़्यादा हम लोग का हजम हो चुका था, तो ऐसा कुछ था यहाँ पे। और दार्जिलिंग में जिस तरह एक तमिल ब्रोथ है और वहाँ पे रोजर, और इसी तरह गुवाहाटी में दो कोई और मिले, अब चलते हैं यहाँ से शिलोंग और वहाँ का एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होता है। तो आप लोग कुछ कहना चाहोगे? हमें भी बहुत अच्छा ये लगा आपके साथ जो 2 दिन बिताए और एक नई पहचान। तो ऐसा कुछ है भाई, अब टाइम अभी हुआ है कुछ 10 बजने में है, और यहाँ से शिलोंग मुझे पहुँचने में भी करीब 3 घंटा लग जाएगा, और अच्छी बात और है कि ना ही मुझे वहाँ पे हॉस्टल मिला है और ना ही होटल, तो देखते हैं वहाँ का जैसा सीन रहता है आप लोग के साथ बताते हैं, उसके बाद मेरा कितने दिन का शिलोंग में स्टे करने का प्लान बनता है वो सारा भी कुछ बताएंगे। तो निकलते हैं अभी पहले हम। अभी हम हैं युमलिंग में, हम गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे हैं, और गुवाहाटी से शिलोंग का जो डिस्टेंस है वो है कुछ 90-95 किलोमीटर्स एबव, और जब हम हॉस्टल से निकले थे ना तो गर्मी इतना था कि हम कैमरा बाहर निकाल ही नहीं सकते, पूरा पसीना। तो मेरा जो सोमो रहा वो ये सामने।